आप तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाओं का मेरे AWC हेल्पलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है। आज ही हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से ये प्रकाशित किया गया है कि सेविका व सहायिका का मानदेय 10% बढ़ेगा, ये निश्चित कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आज जो हम लोग का कैबिनेट का बैठक है इसमें आप सभी का ऐलान कर दिया जाएगा, ये ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन आज हो या कल हो ये निश्चित कर दिया गया कि आप लोगों का 10% का जो मानदेय है वो वृद्धि कर दिया जाएगा। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। अब देखिए, भले ही प्रतिशत कम आप लोगों को दिया गया है, लेकिन आप सभी को, आप सभी का जो लड़ाई है, आप सभी का युद्ध जो है वो कम से कम सफल हुआ है। आप सभी का जो मांग है उसमें से एक भी मांग आप लोगों का पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया गया है, लेकिन आप सभी को 10% देने का यहाँ पर वादा किया गया। आप देखिए, हम लोग देखते हैं ये प्रकाशन क्या सही सत्य है या झूठ है। तो देखिए, आप लोग को बता दें, हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, जो कि कौशलेंद्र मिश्रा उन्होंने ही प्रकाशित किया है। देखिए, पटना बिहार में संचालित 1.4 यानी कि 14,000 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात करीब 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी होगी, ये निश्चित कर दिया गया। देखिए, बोलिए कि मानदेय में बढ़ोतरी होगी, राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी। यहाँ बोल दिया कि राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में निर्णय ले लेगी। दूसरा है हम लोग का समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेज दिया। यानी कि आपके समाज कल्याण यानी कि मदन सहनी ने आपके जो प्रस्ताव है उसको मानदेय बढ़ोतरी के लिए 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार के पास, यानी कि जितने भी मंत्रीगण हैं सभी के सिग्नेचर होते हैं तभी तो आप लोगों का मानदेय बढ़ता है, तो सभी के सहमति के लिए उन्होंने आवेदन को वहां पर राज्य सरकार के पास भेज दिया है। इसकी प्रस्ताव जल्द ही कर दी जाएगी, जिसकी मंत्रिपरिषद की भेज दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय के बाद सेविका एवं सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। 10% फीसदी मानदेय वृद्धि होगी की उम्मीद है, यानी कि 10% ही आप सभी के मानदेय वृद्धि करने का उम्मीद है, ये सूत्रों के तौर से पता चला है हमारे प्रकाशन के, हिंदुस्तान प्रकाशन के माध्यम से। तो देखिए, आप लोगों को बता दें, अभी इसमें बोला गया कि अभी सेविकाओं को 6500 रुपया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ये गलत है। अभी सेविकाओं को 5950 रुपया एवं सहायिका को 2775 रुपये की राशि दी जा रही है। यहाँ पर देखिए गलत छाप दिया गया है। जो भी हो, अभी सेविका को 6500 रुपये यहाँ पर लिखा गया है एवं सहायिका को 5900 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। तो आप सब अवगत हैं कि आप सभी को कितना दिया जा रहा है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर सच नहीं है। लेकिन ये 10% की जो बात की गई है ये हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग का कैबिनेट का बैठक है, आज आपको मंजूरी भी मिल सकता है। इसके लिए जो न्यूज़ है आप सभी को हम अपने AWC के माध्यम से, आज जैसे ही 11 बजे के बाद हम लोग का कैबिनेट का बैठक खत्म होता है, हम आप सभी को न्यूज प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल अभी आप लोग समझिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में के माध्यम से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त खाद दिया जाता है। देखिए, ये चर्चा किया गया है। अब आप लोग ये समाज कल्याण विभाग यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि समाज कल्याण विभाग मंत्रिपरिषद को भेजा प्रस्ताव, मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, ये हेडलाइन है। और इस हेडलाइन को प्रकाशित कर दिया गया है, सभी आप सभी के द्वारा वायरल भी किया जा रहा है बहुत सारा न्यूज। तो ये यहाँ तक सत्य है कि हाँ, ये प्रकाशित किया गया है। ये नहीं है कि ये आपका आज ही कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी कर दिया जाएगा, भेजा गया है। ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि आज आप लोगों के जो कैबिनेट की बैठक होगी 11 बजे, उसमें मंजूरी दिया जा सकता है और 10% की वृद्धि किया जा सकता है, ये उम्मीद एवं सूत्रों के अनुसार से पता लगा है। अब आप लोगों को बताएं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को अवगत है, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका प्रस्तुत संगठनों के बैनर तले 29 सितंबर से लगातार आंदोलन पर हैं। इन संगठनों में बिहार राज्य संयुक्त समिति, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ इंटक एवं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन शामिल हैं। इन संगठनों के माध्यम से मानदेय वृद्धि श्रम कानूनों को लागू करने की मांग उठाई जा रही है, ये बोला गया है। और आप सभी की जो मांग है वो आगे तक चला गया है। अब आप सभी का जो मांग है, इसमें आप लोग को आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रमुख कार्य के बारे में वर्णन किया गया है, जिनको ज्ञात नहीं होगा वो इससे ज्ञात हो जाएंगे, अवगत हो जाएंगे कि आंगनबाड़ी क्या कार्य करती है, उनका प्रश्न कार्य क्या है। आप लोगों को पता है कि महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं को आप लोगों को THR संबंधी जो प्रोवाइड करवाने का होता है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से न्यूज निकल के आई है। अब हम लोग 11 बजे का वेट करते हैं, जैसे ही कैबिनेट का बैठक समाप्त होता है हम आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले न्यूज़ देने का प्रयत्न करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल AWC को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।